हेल्थ में इतने वर्ष करते थे, उसका जो सब हाई एंडेड जो रिसर्च है वो तो सारा का सारा जो है वो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही होता है। और आज मुझे विशेष रूप से इसलिए खुशी हुई कि ये जो एग्जीबिशन इसका अभी मुख्यमंत्री जी ने एक प्रकार से शुरुआत श्री गणेश कराया है, इसके मैं दोनों पोस्टर्स देख रहा था। और जैसे होता है कि बच्चा पैदा होता है तो पूत के पांव जो है वो पालने में नज़र आ जाते हैं, तो मुझे ये दो पोस्टर्स को देखकर ये जो एग्जीबिशन है इसका उद्देश्य क्या है और ये एग्जीबिशन जो है लगाने के पीछे क्या भावना है वो उसकी मुझे थोड़ा सा कल्पना हुई। क्योंकि जो दो उन्होंने मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण समझे होंगे वही उन्होंने लगाए हैं। एक उन्होंने मलेरिया के बारे में चर्चा अभी भी की है वहाँ पर, और एक ORS के बारे में चर्चा की है कि ORS अगर बाजार में नहीं मिल रहा तो ORS कैसे बनाएं। आपको सबको याद है कि 80 के दशक में जो है यूनिसेफ ने कितना बड़ा कैंपेन ORS के लिए चलाया था, और इवन जो मेडिकल एसोसिएशंस को भी वो सपोर्ट करते थे कि 25-25 डॉक्टर्स को बिठाओ और उसको ORS के बारे में बताओ जो है। तो यानी जो पूरी एग्जीबिशन का जो फोकस है वो एक प्रकार से प्रिवेंशन के ऊपर है। बहुत वर्षों तक विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने के बाद व्यक्तिगत जीवन में भी 30-35 साल प्रैक्टिस करते हुए भी और हेल्थ को जितना ज़्यादा समझने का मुझे कोशिश करने का मौका मिला, तो मैं इस बात के लिए एकदम अच्छी तरह से कन्विंस्ड हूँ कि जो हेल्थ है उसका जो असली जो क्षेत्र है वो ये अस्पताल खोलना, डिस्पेंसरी खोलना और ये सब चीज़ें नहीं, उसका जो असली काम है वो प्रिवेंशन और पॉजिटिव हेल्थ एटीट्यूड का डेवलपमेंट है। हेल्थ का 90% तो यही है, ये जो थेरेपेटिक्स है और जो इलाज करना है और अस्पताल में जाके बीमार होने पे ठीक होना है ये इसका केवल 10% है। और लगभग हेल्थ की जो डेफिनेशन है उसको भी अगर हम लोग जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की डेफिनेशन है उसमें हम कहते हैं कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल, इट इज़ नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो उस नाते भी ये लगता है कि अभी जो हमारे हेल्थ के क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी हेल्थ कंप्लेन की सफलता इस बात पर निर्भर है कि हम हेल्थ में जो प्रिवेंशन का और पॉजिटिव हेल्थ एटीट्यूड का कितना बड़ा जो है आंदोलन सोसाइटी में, सोसाइटल आंदोलन बनाने में हम सफल हैं। और इस नाते मैं कभी कभी जब विश्लेषण करता हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि शायद इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा तो शायद पब्लिक हेल्थ का एक्सपर्ट, पब्लिक हेल्थ का स्पोक्समैन, पब्लिक हेल्थ का वर्कर, पब्लिक हेल्थ का विजनरी, मेरे को लगता नहीं कि आज़ाद भारत के अंदर जो है कोई उस लेवल का विजनरी जो है पैदा हुआ होगा। ये तो बहुत सारे काम हैं उनके, लेकिन अगर हम उनके केवल स्वच्छता के अभियान की चर्चा कर लें तो ये एक तो हमारा सीधा सीधा जो है ये डिजीज बर्डन और जो हेल्थ का जो बर्डन है देश का उसको कम करने का काम है। 4 साल पहले हम लोग कभी कल्पना नहीं करते थे कि हम कभी इस देश में ऐसी स्थिति ला के खड़ी कर सकते हैं कि 25 प्रांत जो है वो ओपन डेफिनेशन फ्री हो सकते हैं और 5 लाख से ज़्यादा गांव भारत के जो है वो ओपन डेफिनेशन फ्री हो सकते हैं। ये कोई साधारण उपलब्धियाँ नहीं है। कोई सरकार 8 करोड़ टॉयलेट बना सकती है, एक प्रधानमंत्री की 15 अगस्त को घोषणा करें और अगली 15 अगस्त तक देश के हर स्कूल के अंदर बच्ची के लिए टॉयलेट बना के दिखा दें, या जो मैं तो अपनी स्वयं भी इनकी सर्जन हूँ, मैं जानता हूँ कि जो हमारी बहनें चूल्हा फूक फूक के अपने फेफड़ों को चलाती थी और TB और दमा और कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित होकर असमय जो है मृत्यु का शिकार हो जाती थी, उसका कोई डाटा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं देश में और कभी किसी ने शायद सोचा नहीं था।